Surabhi Gupta signing in from Vedantu. Welcome to today's part 2 of the chapter Air. I know a lot of you have been putting in the community post that you need 5 important questions chahiye that will definitely come in your exam, and that we're going to do next week, guys. So make sure that you are subscribed to the channel of Young Wonder so that you do not miss on any of the important videos. Thumbs up de do is video ko so that I also get a thumbs up and motivated, and of course share this video with your friends. This is your master teacher Surabhi Gupta. I have that my bachelor's from Lady Shri Ram College, Delhi University, my master's from Jawaharlal Nehru University, and I am the social studies educator for this year. This is my third year of teaching at Vedantu, and that's a little bit about me. As I told you guys, bahut amazing videos aane wale hai. I'm going to make sure that you are completely prepped for your, you know, all kinds of exams. You don't need to do the extra hard work. To uske liye do not forget to subscribe to the channel. Now guys, ये वाला हफ्ता स्केड्यूल थोड़ा अलग है. तो एज यू नो, ट्यूजडेज और थर्सडेज नॉर्मली वी हैव फॉर क्लास 8, राइट. इस बार हम लोगों ने, यू नो, वी हैव ज्योग्राफी पार्ट 2, दैट इज टुडे. एंड ऑन सैटरडे, आई एम नॉट ऑन लीव फॉर 2 डेज, ऑन सैटरडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टेरेस फार्मिंग और कॉन्टूर प्लाउइंग, जिसका डिफरेंस काफी बच्चों को क्लियर नहीं होता. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दैट ऑन सैटरडे. नाउ अ थॉट ऑफ द डे: यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर. APJ अब्दुल कलाम, सच अ ब्यूटिफुल लाइन, राइट. मतलब हम अपने फ्यूचर को बदल तो नहीं सकते, हम टाइम को नहीं बदल सकते क्योंकि हम टाइम ट्रैवलर्स नहीं है, राइट. बट वॉट वी कैन डू इन द प्रेजेंट इज चेंज आर हैबिट्स, और अगर हम अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे, डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी डिफाइन होगा हमारे उन हैबिट्स से, अच्छे हैबिट्स से. सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट मेकिंग गुड हैबिट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट. बहुत बार आपका फ्रेंड फोन करके बोलेगा, डूड व्हाट अ वेदर मैन, पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है बाहर जाके कुछ खेले, या फिर ओ माय गॉड द वेदर इज सो सनी, अंदर जा घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हैं. तो वेदर इज समथिंग दैट इज डे टू आवर कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर. सुबह वेदर अच्छा हो सकता है, शाम को वेदर बुरा हो सकता है. हर आवर चेंज हो सकता है आपका वेदर. बट अगर एक जगह का वेदर का जो एवरेज होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे कि सहारा डेजर्ट में यूजुअली गर्मी ही होती है, या फिर वी विल से दैट मे बी, यू नो, इन एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, इट इज ऑलवेज वेरी ह्यूमिड. तो दिस एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अ क्लाइमेट. अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज टेम्परेचर. How hot or cold the air is called temperature. For example, हम कहेंगे कि अभी 40 degree Celsius है, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, temperature, right? All right. Now, एक एरिया में कैसा टेम्परेचर है, that depends upon the insulation. Insulation क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन. फॉर एग्जाम्पल, ऑन आर प्लैनेट इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ऑब्वियसली इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा गर्मी होगी एज कंपेयर टू पोलर रीजन जहां स्लैंटेड सनलाइट आता है. बिकॉज ऑफ स्लैंटेड सनलाइट, यू नो, वेरी, सो फॉर एग्जाम्पल जब कैंडल होता है उसके ऊपर हम अपना हाथ रखते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म लगता है, बट साइड में रखते हैं तो इतना गर्म नहीं लगता है, इसीलिए हम ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, दिए के चारों तरफ. तो आर प्लैनेट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. नियर द इक्वेटर वी हैव द मैक्सिमम इंसुलेशन, मैक्सिमम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एंड एज वी गो टूवर्ड्स द पोल्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एंड बिकॉज इतना टाइम लगता है एंड स्लैंटेड होता है सन का रेज, दैट इज वाई द टेम्परेचर decreases towards the poles. Another thing you will notice कि जब हम सिटी में रहते हैं, मेन जहाँ पॉल्यूशन है वहां टेम्परेचर काफी हाई रहता है, पर जब आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाते हो और पेड़ ही पेड़ दिखते हैं तो आपको लगता है कि यार कितना अच्छा मौसम है, नया, काश यही रहते, राइट. वाई इज दैट? वाई इज द टेम्परेचर इन सिटीज हायर देन दैट ऑफ विलेजेस? द रीजन फॉर दैट इज कि सिटी में बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होता है, जो रोज होता है वो एसफाल्ट, सीमेंट, कॉन्क्रीट से बनता है, एंड ऑल ऑफ दैट ट्रैप्स द हीट इन साइड द सिटी, राइट. इट ट्रैप्स द हीट इन साइड द सिटी, एंड रात को धीरे धीरे हीट रिलीज होती है, वाइल जो आउटस्कर्ट होते हैं जहां पेड़ होते हैं वहां हीट जल्दी रिलीज हो जाती है रात को, एंड दैट इज वाई इट इज हॉटर इन द सिटी एज कंपेयर टू अ विलेज और द आउटस्कर्ट्स, है ना.
अब लेट अस लुक एट डिफरेंट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. एक होता है थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. एक होता है बैरोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. एक होता है रेन गॉज विच मेजर्स द हाउ मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है या 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ये मेजर करता है. और एक होता है विंड वेन जो काफी जहां पर बहुत हवा चलती है, यूजुअली घरों के ऊपर होता है. वेर एवर द विंड इज मूविंग इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ द विंड. नाउ वी कम टू अनदर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज एयर प्रेशर. अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एयर प्रेशर है, आप कहोगे क्या मैम मजाक कर रहे हो, मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, बस मम्मी पापा का प्रेशर है कि पढ़ाई में अच्छा करो, राइट? क्योंकि वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर डूइंग जंपिंग जैक्स, वी आर डूइंग बॉक्सिंग. इफ देयर वाज एन एयर प्रेशर ऑन अस, वी वुड हैव फेल्ट इट. द रीजन व्हाई वी डोंट फील दिस एक्सट्रीमली हाई, इमेजिन ऑलमोस्ट जैसे एक हाथी आपके ऊपर बैठा है, उतना ज्यादा प्रेशर है. द रीजन व्हाई वी डोंट फील इट इज बिकॉज आर बॉडी, यू नो, आर फ्लूइड्स इनसाइड आर बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर. तो आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर ऐसे ऐसे करता है, सो वी डोंट फील दैट प्रेशर, राइट? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सर्फेस. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, इतना सारे स्फीयर्स ऑफ एयर है, राइट? ऑल ऑफ दैट इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इसीलिए जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, एज यू नो कि ऑक्सीजन जो हैवी गैसेज है वो नीचे रहती है, लाइट गैसेज ऊपर रहती है. तो जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे एटमोस्फियरिक प्रेशर कम होता रहेगा. The air pressure is highest at the sea level and it falls as we go higher up the mountain, for example, right? Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो गाइस क्या होता है कि जब लेटर से यहाँ कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, उस गर्मी में जो हवा है वो हॉट हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग. Now when that rises, when the air start rises, इस एरिया में लो प्रेशर हो जाता है ना? जब यह लो प्रेशर हो जाता है, विंड रिमेंबर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो कहीं और हाई प्रेशर एरिया होगा जहां पर बहुत हैवी, यू नो, विंड, जहां पर बहुत हैवी एयर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ एयर होगा, ठीक है? Alright. In areas where, as I told you, temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area and low pressure is, हाँ, तो फिर जैसे let us say, ये मैं ठीक से समझा देती हूँ पहले, कि धूप आई, धूप के वजह से यहाँ पर जो हवा है ये ऊपर होने लगी, hot air. तो जब ये ऊपर होने लगा तो यहाँ clouds form हो जाएंगे, है ना? एंड यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर एरिया. तो लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज. क्योंकि जहाँ हाई प्रेशर होगा वहां एयर जो है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ होगा, इसलिए तो हाई प्रेशर है, एंड वहां आपको अच्छी खासी धूप दिखेगी. दैट इज व्हाई यू विल नोटिस दैट नियर द इक्वेटर, सॉरी, so that is why you will notice that near the equator, जहाँ पर काफी ज्यादा धूप आती है, बहुत ज्यादा bright sunlight होता है, वहां पर the air rises, we have low pressure area and clouds बहुत होते हैं, you know, it gets cloudy and बहुत बारिश भी होती है वहां पर, right? Air always moves from high pressure to low pressure area. Obviously, even we as human beings would like to go away from high pressure zone to a low pressure zone. Wind ka behavior bhi aisa hi hai, right? Now, what is wind? Wind hoti hai aa sunheri hawa, jisme baith ke gol gappe ya samosa khane ka man karta hai. The movement of air, par ye exam mein mat likhna, exam mein aap likhoge, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. Wind can be divided into three types. Permanent wind, seasonal wind या local wind, ठीक है? Now permanent winds होते हैं trade winds, westerlies, easterlies. कुछ हमारे for example equator हो गया, फिर आपका Tropic of Cancer हो गया, Tropic of Capricorn हो गया, right? Arctic Circle हो गया, Antarctic Circle हो गया. आपको पता ही है equator जो है वो low pressure zone है, as compared to this यहाँ high pressure zone है Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn में. विंड मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में. तो ये जो विंड्स मूव करती है,
यू नो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ऑन आर प्लैनेट, इनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड्स. परमानेंट बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. और भी रीजन है ये ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ऐसे क्यों मूव करते हैं, जिसके बारे में आप बाद में 9th-10th में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, राइट. फिर आते हैं आपके सीजनल विंड्स. कभी कभी आपको लगता है कि यार क्या हवा चल रही है, जरूर बारिश होने वाली है, मॉनसून सीजन आने वाला है. ऐसे जो विंड्स होते हैं उनको सीजनल विंड्स बोलते हैं, बिकॉज दे चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन. समर में अलग टाइप की विंड्स होती है, विंटर में कम विंड्स होती है. देन वी हैव लोकल विंड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोवा जाओगे तो वहां बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है. लोकल एरिया के कंडीशन के हिसाब से कुछ जगह लैंड और सी ब्रीज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोकल विंड्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी गोना लुक एट इज मॉइस्चर. अगर आप बहुत कोस्टल एरिया में जाओ या वेस्ट बंगाल या चेन्नई जैसी जगह में जाओ तो वहां बहुत चिपका चिपका होता है, राइट. दिस चिपका चिपका इज नथिंग बट ह्यूमिडिटी. द वॉटर, द मॉइस्चर दैट वी सी इन द एयर दैट वी कैन फील ऑन आर स्किन, राइट. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. ऐसे situation में जब आप अपने इसको कपड़ों को बाहर सुखाते हो ना humid day पे, तो कपड़े सूखते नहीं है, because air में पहले से ही इतने water molecules होते हैं, तो बोलते हैं भैया मैं और क्यों absorb करूँ, है ना. Only when the air is dry, that the air absorbs a lot of water molecules from your clothes and your clothes get dry. Right? Now, as the air gets warmer, the capacity to absorb more and more water vapor increases and it gets more and more humid. कभी कभी होता है ना गर्मी बढ़ रही है पर humidity भी बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो air जो है और absorb कर रही है water droplets को, और absorb कर रही है तो humidity भी बढ़ रही है, right? Now, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रेसिपिटेशन, जिसके बारे में आई थिंक आप 4th standard से पढ़ रहे हो, कि वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बनता है, एंड एज इट गोज अप इट फॉर्म्स क्लाउड्स. दीज क्लाउड्स कीप ऑन फ्लोटिंग इन द एयर, फिर एक पॉइंट पे बहुत हैवी हो जाते हैं एंड दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन रेन के फॉर्म में भी हो सकती है, वाटर के फॉर्म में भी हो सकती है, स्नो स्लीट मतलब ओले के फॉर्म में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एरिया. अब 3 types के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो आपका ट्रेडिशनल रेनफॉल होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया वाटर वेपर राइज कर रहा है, इट कंडेंसेस, इट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड कम्स डाउन एज रेन when the clouds get heavy, convectional rainfall. फिर आता है आपका orographic या relief rainfall भी बोला जाता है. इसमें क्या होता है कि जैसे आपका mountainous area है और आपके ये जो आ रहे हैं clouds, ठीक है, अब ये जो clouds है ये mountain के through तो जाएंगे नहीं, है ना, मतलब Batman नहीं, right? So what do? They absorb, उनको ऊपर जाना पड़ेगा, so they absorb the water molecules, मतलब वो जो होते हैं ना गर्म करते हैं अपने आप को and they start rising. Once they rise, they come to this side of the mountain, hit करते हैं और यहाँ पर ही बारिश हो जाती है, right? As they are rising up, they eventually will keep on absorbing more and more water molecules, become heavy and get rainfall. इसको बोलते हैं orographic या relief rainfall. And finally हम आते हैं cyclonic rainfall पे, which happens when a cyclone occurs. Cyclone कैसे occur करता है, इसका पूरा detail explanation मैं आपको एक video में दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी cyclonic rainfall क्या होता है. Right? So these are the 3 kinds of rainfall. If you want a more detailed explanation of the chapter, if you want ki ma'am hamare test bhi de, assignments bhi de, hame achhi tarah prepare karaye exam ke liye, to guys Vedantu is the platform that you should definitely join, kyunki yahan par ek saal ke liye aapko achhi tarah padhaya jayega wo sare subjects jo aapko school mein padhaye jate hain, only for 9000 rupees for the entire year. Jo bacha hua saal hai uske liye aap de sakte ho, previous jo aapke chapters hai wo bhi aapko mil jayenge. And if you use my coupon code SUGPRO, it comes down to 8,100 rupees for the entire year. ये भी ज़्यादा लग रहा है, तो guys अगर आप maths करो तो per subject 225 rupees होता है per year, which is actually not a lot, right? So you can kind of try it. अगर अच्छा लगा, अगर आपको try करना है, if you are like कि ma'am हमको पक्का नहीं है कि you know we will, अगर आपको पक्का नहीं है कि if you want to be a part of the course, then what you can do is you can also try it for 15 days. How to try?
the course for 15 days is super simple. You go on any of the Young Wonders video जो मैंने बनाई है, मेरी video पे जाना, याद रखना, नीचे description box में you get a link. राइट, यू क्लिक ऑन दैट लिंक, लेट्स से 7th स्टैंडर्ड की लिंक पे आपने किया, यहाँ पर ट्राई इट फॉर 15 डेज का ऑप्शन है, जहां पर इफ यू यूज माई कूपन कोड SUGPRO तो 450 रुपीज में आप ट्राई कर सकते हो. अगर आपको अच्छा लगता है वेदांतु प्लेटफॉर्म, हमारी पढ़ाने का तरीका और टाइमिंग बस सेट बैठता है, तो यू कैन टेक इट फॉर द एंटायर ईयर. जस्ट रिमेंबर टू यूज माई कूपन कोड SUGPRO एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट एन अमेजिंग डिस्काउंट. अब आते हैं हम होमवर्क टाइम पे. सो गाइस, दिस इज द होमवर्क. पॉज द वीडियो, मेक श्योर दैट यू गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई हैव आल्सो पुट अ वी क्विज फॉर यू. इस चैप्टर के लिए स्पेशली वी क्विज करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स में प्रैक्टिस की जरूरत है. You can also follow me on my Instagram page, surabhi.vedantu. I have also made a Telegram channel for all of you guys. That is going to be super helpful. क्योंकि मैं उसमें सारे PDFs डालती हूँ important question and answers के. So you can join that. And this is the link for that. And that is it. Do not forget to give a thumbs up. Subscribe to the channel of Young Wonders. And of course, share this video with your friends. Bye-bye. Have an amazing day. Love you.